नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये है TVS XL 100। तो इसका जो वाल्व है ये वाल्व लीक कर चुका है, जिसके कारण से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है और ये यहाँ से लीक कर रहा है। यानी जब इस कीक मारते हैं तो हवा लीक करता है इसमें, तो इसका कंप्रेशन नहीं हो रहा। तो इसका हम वाल्व जो है इसे चेक करेंगे और चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ मैंने फैन का जो कवर है वो खोल दिया है, यहाँ से मैंने कार्बोरेटर को खोल दिया है, ठीक है। साथ में जो साइलेंसर है उसे खोल दिया है और इधर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये खोल दिया है, ठीक है। और यहाँ जो रबर होता है इसका ढक्कन ऊपर का कवर निकाल कर, ये जो रबर है इसका गैस्केट जो है ये मैंने निकाल दिया है। सबसे पहले इसे खोलने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि टाइमिंग चेन जो होता है तो इसको सही तरह से इसको खोला जाए, सबसे पहले कि आपको बाद में इसको घुमाना नहीं पड़े। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डॉट है बिल्कुल ही सामने है और यहाँ जो एक्सल लिखा हुआ है और यहाँ एक्सल लिखा है, ये जस्ट इस तरह रहेगा ऊपर नीचे। हमको ये ध्यान रखना है कि ये एक्सल इस तरह होगा और जो डॉट है जस्ट ऊपर की तरफ होगा। और इस साइड में आपको दिखाता हूँ कि ये जो फैन है, फैन के ऊपर एक निशान होता है इस तरह का, और यहाँ एक निशान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये निशान है, ये आपस में मैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैच करेंगे तो यहाँ भी जो ग्रारी है वो भी मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इधर मैच कर लेना है तभी इसको खोलना है, ठीक है। अब हम दोस्तों इसे हम पत्ती को सीधा करके और इस बोल्ट को खोल लेते हैं, ग्रारी को खोल लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालेंगे तभी ये हेड बाहर को आएगा। तो ये खोल लेंगे और ये चारों बोल्ट जो है ये चारों बोल्ट को खोलेंगे और यहाँ पर दो बोल्ट होता है इसे भी हम खोलेंगे। तो ये सभी खोलकर आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इसका वाल्व जो है ये टेढ़ा हो चुका है तो हम इस वाल्व को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए इसे सभी को वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह, फिर आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये वाल्व निकालने के लिए रॉकर आर्म को निकालना पड़ेगा, इसके लिए शाफ्ट को निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक लंबा सा बोल्ट लेंगे, इसी का बोल्ट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें होल में टाइट करेंगे तो ये शाफ्ट में थ्रेड होता है, अंदर का जो शाफ्ट है उसमें थ्रेड होता है और ये आसानी से उसमें ये टाइट हो जाता है। और इस तरह खींचेंगे देख सकते हैं घुमाकर तो ये बाहर आ गया। तो इसे खोल लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये रॉकर आर्म बाहर आ गया, ठीक है। उसी तरह इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी थ्रेड होता है और इस तरह खींच लेंगे इसको देख सकते हैं, और ये खींच हो गया, ये रॉकर आर्म बाहर हो गया। तो इस तरह हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसे हम पुश करके और इसका जो लॉक है वो निकाल लेंगे दोनों का। तो मैं अब आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई टूल ना हो तो कैसे इसे पुश करना है और इसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। एक पाना लेंगे 12-13 का, इस तरह का पाना होगा तो हो जाएगा, यहाँ इस तरह करके और इसे पुश करेंगे। ये दब रहा है तो नीचे कुछ लगा लेंगे यहाँ पर वाल्व के नीचे। तो मैं एक यहाँ प्लास लगा ले रहा हूँ नीचे से ताकि वो दबे नहीं। इस तरह करके निकाल लेंगे दोस्तों,
तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये स्प्रिंग निकल गया, अब इधर का भी उसी तरह निकालेंगे। तो इस तरह निकल जाता है आसानी से, किसी टूल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो लॉक को संभाल कर रख लेंगे ताकि घूम ना हो। तो इस वाल्व को हम निकालते हैं, हाँ देखते हैं। तो इस वाल्व को हम चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। जेन्युइन वाल्व लाएंगे, जेन्युइन वाल्व को हम लगाएंगे इसमें, ठीक है। और स्प्रिंग देख लेंगे, स्प्रिंग ठीक है बिल्कुल ही। यहाँ पर सील होता है, दोनों सील को ही चेंज करेंगे, ठीक है। सील को इस तरह हम यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे, यहाँ देखते हैं ये निकल गया। इस तरह इधर का भी निकाल लेते हैं, देखिए। तो इस तरह ये सील निकल गया दोस्तों। इसे अच्छी तरह सभी पार्ट्स को हम सफाई कर लेंगे, सफाई करने के बाद हम नए वाल्व को हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे सफाई कर लेते हैं, अच्छी तरह क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। देखते हैं कि मैंने इसे साफ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि यह वाल्व तो EVL का है और इसका जो रेट है ये 346 रुपया इसका रेट है। साथ में ये है इसका सील। तो सबसे पहले इस सील को हम लगाएंगे, सील यहाँ पर लगाएंगे। दोनों वाल्व पड़ गया है, अब इसको पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। ये भी हो गया दोस्तों, थोड़ा इसे हथौड़ी से मार लेंगे तो बैठ जाएगा, ठीक है। तो आराम से ये बैठ गया है दोस्तों। अब हम इसे बाइक में सेट करेंगे, इसके पहले हम इसका रॉकर आर्म लगाते हैं। ये हो गया, अब इधर का लगा देते हैं।
साइड में एक रबड़ आता है उसको लगाने में। है कि ये जो फैन है, फैन में यहाँ एक निशान बना है ये वाला, और ये निशान यहाँ पर दिख रहा होगा, आपस में मैच होना चाहिए। ठीक है, अब इधर हम लगाएंगे इस डॉट को ऊपर की तरफ करके रखेंगे, इस तरह यहाँ लगाएंगे। यहाँ सेट हो गया है, और यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर है, टॉप में है, और यहाँ एक्सल और यहाँ एक्सल इधर बराबर है। ठीक है, अब ये हम दोनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। टेंशन है, इसे हम लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसका ढक्कन लगाकर कार्बोरेटर टाइट करके स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए इसका ढक्कन हम लगा लेता हूँ, कार्बोरेटर टाइट कर लेता हूँ, सब करके ही आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ।